लेंस मेकर मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शीट मैं प्रिंट आउट लगाना भूल गया बुकलेट में, तो जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज़ इसका प्रिंट आउट ले लेंगे। और लेंस मेकर फॉर्मूला है, 108 नंबर शीट है, 108 नंबर शीट है, रिसेप्शन में बोल देना। और बाकी जिनको मैंने प्रिंट आउट दिया उसको प्लीज़ स्टेपल कर लेनी तो रह जाएगी, इस बुकलेट के अंदर डाल के रखनी है। तो इसमें लेंस मेकर फॉर्मूला हार्डली 5 मिनट में शीट ख़त्म है अगर आपको ये रूल समझ में आते हैं। बस ये समझ ले आपका लेंस मेकर फॉर्मूले का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। पहला, सबसे पहले ये जो लेंस है इसको बोलते हैं डबल कन्वेक्स लेंस या बाय कन्वेक्स लेंस। इसका जो रेडियस है वो राइट मिलेगा आपको, सेंटर राइट मिलेगा R1, और ये कर्व लेफ्ट की तरफ है तो इसका रेडियस इधर मिलेगा। पॉइंट नंबर टू, रेज ऑफ लाइट मान लो राइट की तरफ जा रही है तो राइट की डायरेक्शन क्या मानेंगे? पॉजिटिव। वैसे भी हम राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव मानते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला जब यहां पर अप्लाई किया जाएगा तो एक चीज याद रखनी है, क्या कि जो कन्वेक्स लेंस होता है, ये रूल है कन्वेक्स लेंस की, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। 10th में भी ऐसे किया था, कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव है, कनकेव लेंस नेगेटिव होती है, ये हर हालत में ट्रू है। अब जब लेंस मेकर फॉर्मूला इस पे लगाना होगा बाय कन्वेक्स लेंस पे, तो क्या करना है, मान लो दोनों का रेडियस बराबर है, R1 R2 बराबर गिवन है, जरूरी नहीं है सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, मर्जी है, पर ये याद रहे जब आप इसे पुट करेंगे हर हालत में रेडियस की साइन कन्वेंशन ऐसे होनी चाहिए कि आपका ये आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि ये लेंस कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस की ओवरऑल फोकल लेंथ क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। और पॉजिटिव कब आएगी? ये देखो, पहला रेडियस R1 है, R1 कहाँ है? टूवर्ड्स राइट है, तो पहली साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगी प्लस R, और R2 कहाँ पर है? लेफ्ट है, तो दूसरी साइन कन्वेंशन क्या होगी? माइनस R, तो पहला R1 पॉजिटिव होगा, दूसरा R नेगेटिव होगा, पहला R पॉजिटिव होगा, दूसरा R नेगेटिव होगा। चेक कर लो, माइनस माइनस अपने आप प्लस, आपका आंसर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है। रूल नंबर 1, डबल कन्वेक्स लेंस या बाई कन्वेक्स लेंस की पहली R1 की वैल्यू याद रखना साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव है और R2 की साइन कन्वेंशन नेगेटिव है। रूल नंबर 1, कोई डाउट इसमें? तो डबल कन्वेक्स लेंस या बाई कन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन आएगा तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस एक ही चीज याद रखनी है, डबल कन्वेक्स लेंस में R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव, बात ही खत्म, क्वेश्चन गलती नहीं हो सकता, खत्म होगी बात, तुम्हें ये डिस्कस ही नहीं करना, ठीक हो गया? वो तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इसमें क्या करना है। पहला रूल क्लियर है। दूसरा, अगर क्वेश्चन बाय कनकेव पे है, बाय कनकेव का पहला रेडियस R1 लेफ्ट की तरफ है तो क्या आएगा? नेगेटिव है, और दूसरा राइट की तरफ है तो क्या आएगा? पॉजिटिव है, सिंपल है, क्यों? आप चेक कर लो। तो जब मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा लेंस मेकर, तो सोचो ये मेरा फॉर्मूला है और मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो दोनों का रेडियस, चलो प्लस, दोनों का रेडियस इक्वल है, तो मैं इक्वल मतलब आर और आर है, तो जब मैं यहां पर साइन कन्वेंशन पुट करूंगा तो R1 की जगह माइनस R, R2 की जगह R, अपने आप ही फोकल लेंथ क्या आएगी? नेगेटिव है, आनी चाहिए ना नेगेटिव, क्योंकि कनकेव लेंस है। तो क्या रूल बनाया? डबल कनकेव के केस में याद रखना R1 क्या है? नेगेटिव है, R2 क्या है? पॉजिटिव है। डबल कन्वेक्स लेंस में क्या था? R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव, डबल कनकेव में R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव, उल्टे हो गए। आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता और ये तो आपको डिस्कस ही नहीं करना पड़ेगा अगर आपको ये दो चीजें याद है, बात ही खत्म, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। क्या ये रूल क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, साइन कन्वेंशन क्लियर है। तीसरा रूल सुन लो फिर, तीसरी चीज सुनो। अगर मेरे पास जो लेंस है वो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ऐसा भी हो सकता है और वो ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक ड्रॉ कर लो, कोई चक्कर नहीं, दोनों में आंसर सेम ही आना है, कोई चक्कर नहीं। देखो, तो इसके अंदर ये रेडियस R1
पॉजिटिव है क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ मिलेगा R1, और R2 की वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी। याद रखना, प्लेन ग्लास का रेडियस जीरो नहीं होता, प्लेन हमेशा इन्फाइनाइट होता है। तो जब आप लेंस मेकर कन्वेक्स के लिए लगाएंगे R1 एंड R2, तो मान लो R1 की जगह यहाँ पर R है, तो आप जब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/R - 1/∞, 1/∞ जीरो। चेक कर लो आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आ रही है, और क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस की कैटेगरी है, सही है, आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए। सही है यहाँ तक? तो हमने क्या सीखा, प्लेनो कन्वेक्स लेंस में R1 को क्या लेना है? पॉजिटिव, और R2 को क्या लेना है? इन्फिनिटी। बात ही खत्म। तीसरा रूल भी क्लियर है, एक R पॉजिटिव, एक R इन्फिनिटी, ताकि ओवरऑल फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाए। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है, अब आपके पास क्या है, प्लेनो कनकेव। ये लो, प्लेनो कनकेव ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, एक ही बात, कोई फर्क नहीं। तो प्लेनो कनकेव में इसका R1 क्या होगा? नेगेटिव, और R2 क्या होगा? इन्फिनिटी। लगाएं, जब आप इसे यहां पे लगाएंगे तो 1/R1 में से 1/R2 माइनस करेंगे, तो R2 इन्फिनिटी की वजह से जीरो हो जाएगा, और R1 की वैल्यू मान लो माइनस R है, तो यहां पर जब माइनस R पुट करेंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगी, आने भी नेगेटिव चाहिए। तो क्या सीखा, प्लेनो कनकेव के लिए R1 क्या होना चाहिए? नेगेटिव, और R2 क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी। बस ये चार रूल अगर आपको आते हैं लेंस मेकर, तो आपका अभी के अभी खत्म है, 5 मिनट में कुछ करना ही नहीं है, अभी के अभी खत्म हो जाएगा। समझ में आता है यहां तक? ये देखो, मैं आपको लगा के दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे, बाय कन्वेक्स लेंस या डबल कन्वेक्स लेंस एक ही बात है, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो बाय कन्वेक्स लेंस सुनते क्या माइंड में आ रहा है? एक R1 पॉजिटिव, एक R2 नेगेटिव। सिखा दिया मैंने ऐसा क्यों? कह रहे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पता है, कह रहे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा अगर फोकल लेंथ 20 है? कौन सा लेंस है? डबल कन्वेक्स, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है। तो आप लेंस मेकर लगाएं, एफ को पॉजिटिव पुट करें, म्यू आपको गिवन है, एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव पुट करें, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। सॉल्व करके आर निकालने आंसर है। गेम सिर्फ 3 चीजों की है, डबल कन्वेक्स में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और कन्वेक्स में एफ इज पॉजिटिव, बस। तो पहला रूल क्लियर है, जैसे फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स सरफेस। अब कौन सा लेंस है? प्लेनो कन्वेक्स, आर निकालना है, जिसकी फोकल लेंथ गिवन है। अब क्योंकि ये कन्वेक्स की कैटेगरी है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन, तो बोलो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है, कन्वेक्स लेंस है, एक आर पॉजिटिव एक आर इन्फिनिटी, एक ही बात है, सिखाया मैंने प्लेनो कन्वेक्स में। लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूले में फोकल लेंथ पॉजिटिव, म्यू की वैल्यू पता है, एक आर पॉजिटिव 1/∞ जीरो होता है, आर निकाल लेना आंसर। सारी गेम ही यही है कि तुमने साइन कन्वेंशन पुट क्या की, बाकी तो कुछ कर ही नहीं रहे इसमें। जैसे डबल कन्वेक्स लेंस है, सुनते ही पता लग रहा है एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव, डबल कन्वेक्स लेंस है, आर की वैल्यू एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू भी पता है, क्या निकालनी है? फोकल लेंथ एयर में एंड फोकल लेंथ, जब इस लेंस को डुबो दिया जाएगा इन कार्बन डाइसल्फाइड में, दो केस है, दो बार फोकल लेंथ निकालनी है। चलो पहले एयर में निकालते हैं, तुम्हें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तुम्हें कार्बन डाइसल्फाइड का भी पता है, इसको बाद में यूज करेंगे, अभी ग्लास का यूज करते हैं। अभी ग्लास किस में पड़ा हुआ है? एयर में। तो लेंस मेकर में एयर में फोकल लेंथ निकालने जा रहे हैं, ग्लास किस में पड़ा हुआ है? एयर में, बाहर का मीडियम एयर है, तो यहां पर क्या आएगा? एयर, एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, सॉल्व करके फोकल लेंथ आ गई, एक आंसर आ गया। तो एयर में तो फोकल लेंथ आ ही गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कहता है कि इसको किस में डुबो दिया? कार्बन डाइसल्फाइड में। केस नंबर 2, चेंज क्या हुआ? जब ग्लास को कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोया तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर की जगह कार्बन हो गया, बाहर का मीडियम एयर नहीं रहा, कार्बन हो गया। जब ये फैक्टर चेंज हुआ तो ये भी चेंज हो गया।
तो फोकल लेंथ चेंज होगी बिकॉज न्यू चेंज हो गया, इसको ब्रेक कर लो, ग्लास नीचे है तो ऊपर, कार्बन ऊपर है तो नीचे, एक रेडियस पॉजिटिव एक रेडियस नेगेटिव, आपको ग्लास का और कार्बन का आपको ये वैल्यू पता है म्यू की, सॉल्व करो एफ क्या आ गया -125.4। अब ये अजीब बात है, लेंस कौन सा था, कन्वेक्स, फोकल लेंथ क्या आ गई, नेगेटिव, ये तो हो नहीं सकता था। देखो ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लेंस की, सुन लो, अगर आपका लेंस कन्वेक्स है, कन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस क्या करता है और इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन अंदर का मीडियम एज्यूमिंग की डेंसर है और बाहर का मीडियम एज्यूमिंग क्या है, रेयर है, तब ये केस है। अगर मैं आपके लेंस को बाहर डाल दूं, मतलब एक ऐसे मीडियम में कि बाहर का मीडियम डेंसर है अंदर का रेयर है, उल्टा कर दूं, तो ये लेंस का बिहेवियर चेंज हो जाता है और ये लेंस जो कन्वेक्स था वो किस में बन जाता है, कनकेव में, और इसकी नेचर कन्वर्जिंग की जगह क्या बन जाती है, डाइवर्जिंग। ये प्रॉपर्टी है लेंस की। अगर आप एक लेंस को अपने से डेंसर मीडियम में डाल दोगे ना तो कन्वेक्स कनकेव बन जाता है, कनकेव कन्वेक्स बन जाता है, तभी तो फोकल लेंथ पॉजिटिव से क्या हो गई, नेगेटिव, क्योंकि कार्बन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बड़ी थी। तो एक तो सीबीएसई में ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, डाल लो फोकल लेंथ निकाल दो, और एक एक नंबर में भी आता है, क्या आता है, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन कन्वेक्स लेंस 1.2 इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ 1.33। अब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, अगर एक नंबर में आएगा तो क्या लिखेंगे, दिस कन्वेक्स विल एक्ट लाइक कनकेव, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है। और अगर 2 नंबर में आ गया, फोकल लेंथ का रिलेशन निकाल लो, तो फिर पहला केस, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, लिक्विड का पता है। पहले आप केस नंबर 1 एयर में निकाल लें, एयर में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्ट टू एयर लिखें, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता है, R1 R2 तो पता ही नहीं, इसमें छोड़ दो, फोकल लेंथ की वैल्यू एफ एयर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/R1 1/R2 निकाल लिया। दूसरे केस में क्या लें, लिक्विड, लिक्विड में ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे, लिक्विड, इसे ब्रेक कर देंगे, ग्लास नीचे है तो ऊपर, लिक्विड ऊपर है तो नीचे, इस R1 R2 की वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे, तो आपके पास फोकल लेंथ का मैथमेटिकल रिलेशन आ जाएगा। एक नंबर में आया तो प्रॉपर्टी सीधा लिख दो, उल्टा लेंस है, और अगर 2 या 3 नंबर में आया तो भाई ये करके दिखाना पड़ेगा, एक बार एयर में और एक बार वाटर में, और ये नेगेटिव प्रूव करना पड़ेगा कि फोकल लेंथ की वैल्यू इसमें नेगेटिव है। और इसको खत्म करते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ, डबल कन्वेक्स लेंस है, यानी कि बाई कन्वेक्स लेंस है, एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर, इमेज को क्या लिखते हैं, यू, सॉरी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, यू, और इमेज कहां पर बनी, वी, यू और वी से पहले आप अपना 10th का फॉर्मूला लगा के 1/F = 1/V - 1/U से क्या निकाल लेंगे, फोकल लेंथ। V और U इसलिए गिवन है ताकि आप F निकाल सकें। अब वो कह रहा है म्यू निकालो इस ग्लास का, तो और आपको ये गिवन है, अच्छा म्यू निकाल लो, चलो पहले ये तो इजी है, R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, फोकल लेंथ आपने निकाल ली, आपने पहले लेंस को किस में रखा, एयर में, और आपने इसमें एयर की फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव पता है, म्यू निकाल लें, R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव से म्यू आ गया। दूसरे केस में वो ये कह रहा है कि क्या होगा फोकल लेंथ की वैल्यू अगर इसको वाटर में डबो दें, केस नंबर 2 में फिर क्या करेंगे, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो नई फोकल लेंथ आएगी, इसको ब्रेक करेंगे, ग्लास नीचे है तो ऊपर, वाटर ऊपर है तो नीचे, आपको दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव, अपने आप फोकल लेंथ आ जाएगी, वाटर में फोकल लेंथ आ गया। अब क्योंकि वाटर में फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है, इसका मतलब कन्वेक्स कन्वेक्स ही काम करेगा, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से डेंसर नहीं है, वो रेयरर ही है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या रूल है। सब्जेक्टिव शीट में, सब्जेक्टिव शीट्स हैं आपके पास, एक मिनट, सब्जेक्टिव शीट के अंदर होमवर्क नोट कर लो, अगली बार हर हालत में करके आना है, नहीं तो आपसे पेपर क्लियर नहीं होगा। प्लस टू के जो CBSE वाला पार्ट है, आज के लेक्चर के ऊपर शीट नंबर 75 और शीट नंबर 76 और 76 NCERT की शीट्स हैं। आज
आज एक शीट 75 है रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे और दूसरी शीट है लेंस मेकर फॉर्मूला पे, राइट। और अगली बार टेस्ट होगा आपका क्लास के बाद रिफ्रैक्टिंग सरफेस का बस, और इस शीट में से रिफ्रैक्टिंग सरफेस की शीट में दो क्वेश्चन डालूंगा, प्रैक्टिस कराना।